लेकिन भाई बहुत देर हो चुकी है, 7-8 तो यहीं बच चुके हैं। अभी सिरोही 50-60 किलोमीटर जितना बाकी है, तो घर पहुंचते पहुंचते देर हो जाएगी। ये रही बुलेट। आ गए फोटो सही। उन लोगों को फोटो खींचना है, चलो खिंचवा लेते हैं। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो सारा पैकिंग वैकिंग हो चुका है, अब निकल रहे हैं यहाँ से रामदेवरा से। गाड़ी भी तैयार है और दो बाइक भी, मेरा हेलमेट मैंने यहीं पे रखा है। तो देखते सीधा जाते जोधपुर होके जाएंगे पाली से। आपको ब्लॉग में बताता रहूँगा जैसे जैसे जाएंगे वैसे। बाकी तो सब हो चुका है, यहाँ पे निकल रहे हैं। नाश्ता भी यहीं पर कर लिया, रात को हम यहीं पर रुके थे। सारे भाई भी रेडी है, ये भी रवि भी, तो निकलते हैं यहाँ से। बताओ आप कैसे हो? क्या नाम है आपका? विशु 09 राइडर आगे लिखा हुआ है, देख लो। कितने की है भाई? ये आती है 1,80,000। क्या कीपैड से नहीं है? लाओ कद्दू बे। चलो कोई नहीं, खुद से कर लेता हूँ। वो भी आगे निकले, वो कौन से राइडर? वो भी मेरा दोस्ती है। कॉल आ गया। हेलो, आओ दोनों आ गया। लो चलो, थैंक यू भाई। हेलो, चलो भाई एक सब्सक्राइबर मिल गया रामदेवरा में। निकलते हैं यहाँ से। आज भी हमें काफ़ी दूर जाना है। भाई भी यहाँ खड़े थे। ये लड़का मेहुल के बारे में ही बात कर रहा था कि वो राइडर कौन है। ये आ गया पोखरण सिटी, हमें यहीं से ही जाना है। ये क्या बना हुआ है? जो भी है बहुत अच्छा लग रहा है। बस मस्त होटल ही है शायद बड़ी।
पोखरण में हम पहले आ चुके हैं, किला देख लिया है हमने, तो इस बार हम नहीं जा रहे हैं। और वैसे भी देर हो रही है क्योंकि आज का सफ़र है 450 किलोमीटर का, और भाई पहुंचना भी है टाइम पे, तो आज ज़्यादा ब्रेक नहीं लेंगे। देखते हैं आगे जाके एक या दो बार रुकेंगे, खाने के लिए रुकेंगे सीधा, और फिर कभी ऐसा लगा तो रुकेंगे, वरना नहीं रुकेंगे। हम जा रहे हैं अभी पोखरण सिटी है ये, और जोधपुर वाला रास्ता है जो बेस्ट है, बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं हर बार वहीं से जाता हूँ, गाड़ी लेके आता हूँ। तो वहीं से ही जाएंगे। ये जो पहाड़ है ना, ये लास्ट मिट्टी के पहाड़ है, इसके बाद आगे मिट्टी के कोई पहाड़ नहीं है, पूरा सम जैसा है। इधर भी इसके आगे सारे बड़े बड़े पहाड़ तो आएंगे, लेकिन मिट्टी का नहीं आएगा, ये सारे मिट्टी के हैं। अरे गौ माता हटिए बीच में से ही। तो सब चढ़ रहे ऊपर, गाड़ियां रोक रोक के। तो भाई बाइक में पेट्रोल भी फुल करवा दिया, अब निकले आगे, गाड़ी खड़ी है हमारी, मैं थोड़ी देर गाड़ी चलाऊंगा, और मेरा बाइक है जिगर चलाएगा थोड़ी देर, क्योंकि उसको चलाना है थोड़ा। ये खड़े इधर, बाइक देता हूँ उनको, वो थोड़ी देर चलाएंगे, मैं थोड़ी देर गाड़ी चलाऊंगा। तो भाई हम चाय पीने खड़े थे यहाँ, और ये रही जगह, और मैं चला रहा हूँ गाड़ी, और मेरा भाई जिगर ले रहा है मेरा बाइक, और ये मेहुल। अब सीधा रुकेंगे, कहाँ रुकना है? दर्शन होटल पे आगे, जोधपुर के पहले आती है, और मैं चला रहा हूँ गाड़ी, ये लोग निकल रहे हैं। जोधपुर से 60 किलोमीटर इस तरफ खड़े थे खाने के लिए, और भाई खाना भी बहुत अच्छा मिलता है दर्शन होटल करके। यहाँ से जोधपुर रह गया है 60 किलोमीटर, अब मैं फिर से बाइक ही चलाऊंगा, क्योंकि गाड़ी अब जिधर चलाएगा। निकलते हैं यहाँ से, और जाते जोधपुर, जोधपुर से माउंट आबू का तो हमने कैंसिल कर दिया, वो मैं आगे ब्लॉग में बताता हूँ, लंबी बात है भाई। तो अब निकलते हैं, बाइक भी रेडी है, सारे भाई भी रेडी है, खाना भी बेस्ट मिलता है यहाँ पे, आप आओ तो एक बार ट्राई करना, दर्शन नाम है होटल का। तो चलो निकलते हैं यहाँ से। तो भैया दर्शन होटल पे खड़े थे खाना खाने के लिए, और भाई यहाँ पे दो भाई मिले हैं, इन्होंने सब्सक्राइब भी कर लिया हमारा चैनल, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, आपको भी भैया थैंक यू।
चलो भैया निकल दे। जैसे कि मैंने बताया, हमने खाना भी खा लिया, अभी बजे 2:30 या 3 बज चुके होंगे शायद। तो अभी हम सीधा रुकेंगे जोधपुर के बाद, वो जो ओम बना वाला है ना, वहीं पे मेहुल और गाड़ी दोनों आगे चले गए हैं, मैं अकेला पीछे हूँ। और भाई यहाँ पे दर्शन होटल पे खाना बहुत अच्छा मिलता है, अगर आप लोग आओ तो एक बार चेक कर लेना, बहुत अच्छा मिलता है हमारे गुजरात के जैसा। तो भाई वहाँ पे 2-3 भाई थे, उन्होंने भी सब्सक्राइब कर लिया चैनल। चलो तो भैया मिलते हैं आगे, वो है ना कुंभना चोटीला, राजस्थान में उसको चोटीला बोलते हैं, हमारे गुजरात में भी एक चोटीला है, इसको यहाँ पे चोटीला बोलते हैं। चलो वहीं पे जाके मिलते हैं सीधा। जो पत्थर के घर होते हैं ना, ये यहाँ से पत्थर लेके जाते हैं, सब जोधपुर में मिलता है। ये देखो सारे पत्थर निकाल के रखे यहाँ पे, ये पहाड़ तोड़ के निकालते बम रख रख के। चलो भाई गाड़ी तो साथ है हमारे, मेहुल आगे चला गया है शायद, हाँ शायद आगे ही है, क्योंकि हम खाना खाने के बाद वो निकल गया था, गाड़ी भी निकल गई थी, लेकिन गाड़ी क्या 80 की लिमिट है ना, तो 80 पे ही चला रहा है, तो मिल गई मुझे। तो भाई आगे सुंदर पहाड़ है एकदम, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। अरे यार पुलिस वाले हमें तो क्या करेंगे, ये नहीं करेंगे। चलो मैं भी निकल गया, गाड़ी भी निकल गई। तो चेकिंग चल रहा है अभी, क्या दिवाली का टाइम था ना, तो भीड़ ज़्यादा है सभी जगह पे, इसलिए चेकिंग चल रहा है। भाई यार रास्ता कब से ख़राब है यार, मैं जितनी बार आया ना तब से ख़राब है यार, मैं शायद 5-6 बार आया जैसलमेर ये सब, भाई तब से बना ही नहीं रास्ता, एकदम ख़राब है। देखते हैं अगर जोधपुर बाईपास से निकल जाए तो, लेकिन मैप मेरे पास ये नहीं, तो मैप वाला बंदा आगे खड़ा है, मतलब आगे गया है मेहुल, तो मैं गाड़ी के पीछे पीछे ही जा रहा हूँ, शायद कोई किसी ने मैप चला रखा हो। बहुत ख़राब रास्ता भाई बहुत, नीचे शायद रास्ता बन रहा है नया, हाँ ऐसा ही कुछ लग रहा है, क्योंकि काम चल रहा है, अगर बन जाए तो अच्छी बात है। एक किला दिखता था यहाँ से, वो दिख नहीं रहा, किस तरफ था
शायद आगे होगा। क्या भाई सुंदर नजारा है, रोड भी एकदम मस्त है। ये रास्ता ना जोधपुर बाईपास का है, अभी तैयार हो रहा है, हो जाएगा ना तो बहुत मज़ा आएगा इस पर, क्योंकि ये अभी सर्विस रोड ही चालू है। ये डबल लाइन स्टार्ट हो जाएगी तो और मज़ा आ जाएगा, क्योंकि बाईपास अंदर सिटी में क्या जाते हैं तो ट्रैफिक में फंस जाते हैं, एक डेढ़ घंटा तो अंदर ही निकल जाता है हमारे। मैं पहली बार आया तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर बाईपास होता था, तो मैं सिटी में घुस गया था और भाई एक डेढ़ घंटा तो भाई इतना ट्रैफिक भाई। इसलिए बाईपास ही अच्छा है। ऑस्ट्रेलियानिया या बाहर के है, सारे के सारे दूसरे कंट्री के। चार जिप्सी में सब लोग हैं, एक जिप्सी ये रही। जो पहले वाली जिप्सी थी ना लास्ट में, उस पर बैग पे लिखा हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया, अब पता नहीं ऑस्ट्रेलिया के है कि कहीं और के है, वो लिखा हुआ था तो मैंने पढ़ा। फिर से बाईपास बहुत लंबा पड़ा हमको भाई, आधा घंटा तो निकल ही गया बाईपास में। अब देखते हैं कहीं रुकते हैं, कुछ ठंडा वंडा करते हैं। बोलता हूँ जिगर को गाड़ी रोके कहीं पे, क्योंकि मेहुल तो दिख ही नहीं रहा है। वो शायद ओम बना पे खड़ा होगा चोटीला।
गाइज हम लोग आए अभी ओम मना पे, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। बुलेट देखा था वो रही। ये रही बुलेट। और यहाँ पे सब दारू चढ़ाते हैं, मन्नत रखते हैं, ऐसी जो पूरी हो जाती है उसके बाद ये चढ़ाते। और एक कुआं भी था उस पर, अगर हो तो मैं दिखाता हूँ, मैं पहले आया तब था। ये रही वो बाइक जो मैंने आगे से दिखाई। वो गाइस जो वो मैंने कुएं की बात की थी, वो कुआं तो था नहीं, क्योंकि मैं पहली बार आया था तब वो था जिसमें सब वो दारू बारू डालते थे उसमें, जिसमें मन्नत होती थी। और एक बात बता दूं कि हम माउंट आबू नहीं जा रहे, क्योंकि मैंने मेरे व्लॉग में देख लेना, मैंने वो विक्रम भाई को बताया था आपको कि खुद की होटल है उनकी, उनको उन्होंने फ़ोन किया था कि भाई अभी मत आना, क्योंकि दो दिन से भाई कोई रूम खाली नहीं है और भीड़ इतनी है, तो उन्होंने मना ही कर दिया कि भाई मत आओ, व्लॉग भी नहीं बन पाएगा और आपको भी मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने कैंसिल कर दिया, मैंने क्या सब ने कैंसिल कर दिया। तो अब हम रात तक सीधा घर ही चले जाएंगे। तो कैंसिल तो हो गया, अब देखते हैं कहीं और जा सकते हैं, क्योंकि बीच में तो कुछ और आता नहीं है। तो अब हाँ, बच्चे देख के खुश हो गए यार, आ गए आ गए। फोटो सही, उन लोगों को फोटो खींचना है, चलो खिंचवा लेते हैं। हाँ कैसे हो? हेलो सर, थैंक यू। बहुत देखते हैं आपके खूबी है। हाँ थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। चलो भाई निकलते हैं। ऐसे लोग मिलते हैं ना भाई, बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और वो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू उन लोगों को। पहली बार ऐसे कोई मिला है जिन्होंने फोटो वोटो खिंचवाई है। सब मिलते हैं लेकिन चालू बाइक पे ही मिलते हैं, ऐसे ही मिलते भाई, खड़े रह के फोटो वोटो नहीं खिंचवाते। ये भाई साहब ने फोटो वोटो सब खिंचवा दिया और बोल रहे थे कि हम आपका वीडियो देखते हैं। भाई बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोग मिलते हैं। तो चलो हम हमारा सफर चालू रखते हैं। अभी जाना बहुत दूर है, अभी हम है ओम बना से ही निकले हैं और अभी जाना है हमें अंबाजी। पहले तो माउंट आबू में नीचे देखेंगे, रुकने का तो कोई प्लान है नहीं, क्योंकि विक्रम भाई ने बोल रहा है कि भाई भीड़ इतनी है, रुक कर क्या करोगे, नहीं व्लॉग अच्छे से बनेगा, नहीं तुमको भी मज़ा नहीं आएगा घूमने का, ऐसा बोल रहे थे।
तो फिर मैंने जिगर को भी बोला, मेहुल को भी बोला, भाई नहीं जाते, नहीं मज़ा आएगा, अगली बार आएगा तो जाएंगे। और मैंने भी वैसे भी मैंने एक माउंट आबू का ब्लॉग बना के रखा है, दूसरा या तीसरे नंबर पे ही होगा। जब स्टार्ट किया तभी डाला था वो ब्लॉग, तो भाई आप लोगों ने नहीं देखा हो तो देख लेना। तो अभी आगे जाके देखते हैं, फिर एक बार खड़ा रहेंगे, फिर सोचते हैं क्या करना है। हो चुकी है काफ़ी देर और अभी तो सिरोही 50 किलोमीटर बाकी है। सिरोही से माउंट आबू, माउंट आबू से अंबाजी, अंबाजी तो शायद हम पालनपुर से ही निकल जाएंगे, लेकिन भाई बहुत देर हो चुकी है, 7-8 तो यहीं बच चुके हैं। अभी सिरोही 50-60 किलोमीटर जितना बाकी है, तो घर पहुंचते पहुंचते देर हो जाएगी और रात में कुछ दिखेगा भी नहीं। तो मैं इस व्लॉग को यही एंड कर देता हूँ, बाकी मिलते हैं दूसरे व्लॉग में ऐसे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ ऐसे दूसरे व्लॉग में। घर कब पहुँचाऊँ मुझे खुद भी नहीं पता कब पहुँचूँगा, क्योंकि बहुत देर तो यहीं हो चुकी है और अभी शायद मेरे अंदर 250 या 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर बाकी है अहमदाबाद। और कैमरा रात में भराने का सही मुझे लगता नहीं, क्योंकि कुछ दिखता ही नहीं है ना इसलिए। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ ऐसे दूसरे वीडियो में।